कहेंगे। कैसे आप सब हो? आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम से मस्त हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी एल एंड फैमिली में, और साथ में फरीदाबाद की इन खूबसूरत शहर में। वादिया तो गांव में रह गई और ये शहर रह गया। आज मुन्नू भी आई है मेरे साथ, वैष्णो भी। हम दोनों जा रहे हैं अभी मॉल, घर का कुछ सामान वामान लेने, तो हम जा रहे हैं रिलायंस मॉल। गाइस अभी आपको पहाड़ की तरी लेकिन आपको शहर की जरूर मिल जाएगी खूबसूरत वादिया देखने। खूबसूरत शहर, हाँ। खूबसूरत बिल्डिंगें और सामने मेट्रो। तो चलिए चलते हैं मॉल। अभी ठंड बहुत हो रखी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है बहुत दिन हो गए जब से धूप नहीं निकली है, है ना? कब से धूप नहीं देखी? जब से पापा के गांव जाने से एक दो दिन बाद से। नहीं, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे धूप नहीं आई, और जब से मैं गांव से आया हूँ तब से तो यहाँ धूप ही नहीं निकली है, ठंड बहुत है। तो बड़ा कड़क वाला कोहरा हो गया और हमारी बस में हो गई भीड़। चार नंबर के भी वही हमारी बस में बैठे, और हमारी बस में तो हम बैठ ही गई, तो हम भी वही बैठे। उसे तीन लोगों को बिठा रखा था, जहाँ पे दो लोगों को बैठने थे। हाँ, तो अभी बैबा भी तो है घर पे सो रखी है। हमने कहा हम जल्दी से होके आते हैं, और फिर उसको मतलब सुला दिया था रात को, झूठ बोल दिया था कि तेरे को भी ले जाएंगे, और सुबह हम दोनों भाग भाग के आ गए जल्दी से। फाइनली पहुंच चुके हैं मॉल में, और ये है क्राउन इंटायर मॉल फरीदाबाद का, सराय का, और साथ में इसको रिलायंस मॉल भी बोलते हैं। तो अभी सुबह सुबह तो भीड़ कम ही होगी, इस वजह से हम जल्दी जल्दी आ गए कि ताकि लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि बहुत लाइन लगती है शाम के टाइम पर, मतलब जब हम सामान लेते हैं सामान वाली लाइन पर। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज क्राउन इंटायर मॉल। देखिए ये सुंदर सुंदर मार्केट लगनी शुरू हो गई है। ये पूरी लाइन जो है ना वो फीमेल्स के लिए है, मतलब फीमेल के कपड़े, गहने और स्वेटर, मतलब बहुत सारी। देखो कितने छोटे छोटे वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं इनको, तंबू। है ना, कितने बस बने हैं। देखो अभी ये शाम के टाइम ना पूरी इन पर लाइटिंग लगती है, और अच्छे से ओपन हो जाती है ना जब पूरी मार्केट, तब बहुत अच्छी लगती है। अभी तो हम लोग आ गए हैं सुबह 10:30-11 बज रहे, और ये है क्राउन इंटीरियर मॉल, और यहाँ नीचे इधर है हल्दीराम। यहाँ पे हमें सामान लेने जाना है, पहले ऊपर चले, नीचे ही चलते हैं या ऊपर चलते हैं? तो हम जा रहे हैं पहले ऊपर, थोड़ा तो मॉल देखते हैं, और उसके बाद नीचे जाएंगे सामान लेने, है ना? और लेडीज़ के साथ साथ तो बच्चों का भी खाने का सेक्शन भी है, लेकिन अभी तक जेंट्स का सेक्शन नहीं है। किसका? जेंट्स का तो कहाँ ही होता है। तो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग एंट्री मॉल की। सुंदर सुंदर कन्याएं खड़ी हो रखी है, और इधर देखो ये पूरा मतलब घर का सामान है, आपको जो जो चाहिए बता देना, मैं भेज दूंगा कोरियर करके। देखो मैगी होगी, बिस्किट हो गए, नमकीन हो गई, और बाकी किचन का सामान हो गया। और ये अभी मुझे लग रहा है क्रिसमस न्यू ईयर पे बहुत अच्छा सजा था मॉल, क्योंकि मैं गांव गया था ना, तो इस वजह से ये लोग आए नहीं, घर पे ही थे। देखो क्या मस्त सजा हुआ है मॉल। अभी मॉल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 10:30-11 बज रहे हैं शायद, तो अभी भीड़ नहीं रहती, क्योंकि शाम के टाइम लोग ज़्यादा आते हैं मॉल में, और आज का सर्दियाँ भी है ना इस तरह से। और ये पिछली बार ट्रेन अभी बैबू होती ना यहाँ आई होती तो ज़रूर बोलती कि मुझे इस ट्रेन में घूमना है। हाँ, तो जब ये छोटी थी तो ये भी घूमती थी, लेकिन बैबू के साथ मैं भी जाता हूँ। हाँ सही बात है। से हम जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर में, और ये इसने अपना हैंग की यही छोड़ दिया मोटी, ये देखो कैसे भाग रही है। मज़ा आता है ऐसे एस्केलेटर में जाने में, एक जगह खड़े हो जाओ और वहीं से चलते रहो, पीछे अंकल आंटी भी जा रहे हैं ऊपर। हैंग की यहीं पे छोड़ गई,
और मेरा एक पैर मतलब एस्केलेटर पे और एक मैंने हैंकी के लिए पकड़ रखा था है? इसका यही हाल रहता है है? क्या हुआ जैसे सीढ़ियां नॉर्मली होती जो ऊपर जाती है तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं और घर का कुछ सामान लेना है तो एंट्री करते हैं यहीं से चल चल यहाँ से लेके चल चल तू चला चल चला उठा तो पाती थी अभी लेके जा रहे हैं हम और वहाँ से फिर भरना शुरू करेंगे इसको स्टैंड का टू 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 अरे रे 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 ये देखो बाय वन गेट वन फ्री और 99 में कोई भी सामान ले लो 99 का मिलेगा ये है शुगर 9 kg 9 रुपये का शुगर है मतलब 2000 का सामान लोगे तो 1 किलो चीनी फ्री मिलेगी इसमें और ये सारा पिक एनी 4 ये सारा आपको मिलेगा 99 में ये जैसे है हैंड वॉश ये 99 का अगर आप टाइड लेते हो तो 99 का मतलब कुछ भी सामान लेना हो ना तो आपको ये सारा 99 में मिलेगा ये और ये बाय वन गेट वन फ्री है मतलब अगर आप एक पैकेट लेते हो तो इसके साथ दूसरा पैकेट फ्री है मतलब कुछ ना कुछ फ्री मिल जाता है मतलब यहाँ सामान का तो बहुत मस्त रहता है एक बार आओ पूरे महीने का राशन ले जाओ है ना अरे बीड़े बहुत सारे चौकोज़ हैं जो कि बच्चों के लिए है और पिक एनी अगर आप ये इसमें हैं 2, 4, 6 पैकेट है और ये आपको सिर्फ मिल रहा है 49 में ये 2 उठा ले दो। चलो तो इनके लिए बैबू और वैष्णवी के लिए चौकोज जो इनको बहुत पसंद है से आपको टोटली मिलेगा घर किचन का सामान ये बहुत ही अच्छे अच्छे और कम रेट में मिलता है मतलब अच्छा मिल जाता है ये देखो ये है 3 चूल्हे का गैस 4000 में 5000 में 4 चूल्हों वाला और यहाँ पे हैं प्यारे प्यारे टैडी ये मत से और इसका मन लच्चा गया टैडी देख के हैं चल चल टैडी टैडी अब इधर मिलेगा मुझे पूरे घर का सामान जो कि मैं पूरे महीने के लिए लेके जाऊँगा यहाँ यहाँ पे हम आ गए हैं पास्ता वगैरह और चीनी चीनी यहाँ पे है 40 रुपये 50 पैसे की पर केजी और ये है पापड़ वगैरह 102 की है काले चने और ये बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में आपको मिलेंगे रख जल्दी रख इसको बड़ा शौक हो रखा है इससे रखने के लिए टम ला मेरे को दे फटाफट तो 1 घंटा लगेगी यहाँ पे हो रही है रेटिंग मतलब प्राइस प्राइस टैग लगेगा यहाँ पे इसको देखो मस्त मस्त मुंगरी हो रखी है ये कॉर्न स्वीट कॉर्न नहीं जो है पर पीस है ये 18 रुपये का यहाँ पे देखो अनानास ये पूरी फ्रूट फ्रूट और वेजिटेबल है मतलब सब्जी और फल ये पूरी मार्केट है क्या ये देखो यहाँ पे अनानास काट रहे भैया चल चल आगे चल ये देखो इसको मैगी जैसी दिखी ना बस मैगी की तरह मैगा बन जा तो ये देखो ए रुक जा ये देखो अरे इधर आ ना इसको देखो कहाँ भाग रही कहाँ गई ये दी सर तो गाइज अभी यहाँ पे बिलिंग करने के बाद ये सामान हमने ले लिया और अभी हम जा रहे हैं घर चले तो अभी हम ट्रॉली लेके जाते हैं बाहर और वहाँ सामान रखेंगे बैग में और फिर निकलेंगे घर को तो बाय 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 रिलायंस मॉल तो यहीं रहेगी क्या चल चल ले जा भाई चल रे घर 12:30 हमने सारा सामान ले लिया और अब हम जा रहे हैं घर मैं यार टक्की पापा ने मुझे कितना बड़ा एक छोटा सा बैग पकड़ रखा कह रहे कि ये बहुत भारी है तो अभी बाहर का नज़ारा कुछ दिखाते हैं अभी दुकानें उकाने लग गई हैं सारी
प्यारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई है। ये अभी 12:30 हो गया, तो दिन यहाँ का देखो मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल धुंध ही धुंध छा रखी है, कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ, और यहाँ पे लोगों को आना शुरू हो गया मॉल में। अब हम जा रहे हैं घर, बाय बाय। इस मोटे को खाने हैं चाउमीन, बिना चाउमीन खाए मान नहीं रही, बहुत दिनों बाद खा रही है, वैसे चलो आज खिला देते हैं। क्या खाना है? चाउमीन। चाउमीन चाउमीन का लेते हैं आनंद। तो होप आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का सर्दी आए तो टोपी तो पहननी ही है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो और ऊपर का जो घंटा है वो भी बजा देना। हाँ ओके बाय। Yeah.